नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ की स्पीच, जिसमें गौरव ने बैंकिंग घोटालों की और बीजेपी की पोल खोल कर रख दी। खुलासा लेके आया हूं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने लूटो और भागो बैंकिंग मॉडल, ईज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड इन द बैंकिंग मॉडल जो देश को दिया, जिसके कारण देश एक व्यक्ति देश के बैंकों का 22,842 करोड़ रुपया लेके कहाँ है किसी को नहीं पता। सरकार को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर हम सवाल पूछ रहे हैं कि एबीजी शिपयार्ड के जो मालिक है ऋषि अग्रवाल है कहाँ पर। अभी तक ना तो सरकार की ओर से, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से, ना जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन लीकिंग की जो एक सुविधा चलती है देश में, वहाँ से भी कोई खबर नहीं आई। और आज जो मैं कागज़ लेके आया हूँ, ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का कागज़ है, अहमदाबाद बेंच का, DRT। इस DRT के कागज़ में 2018 27 दिसंबर को एक निर्णय दिया गया। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में बैंक कब जाते हैं? जब उनका लोन में कोई प्रॉब्लम आती है, NPA हो जाता है, उनको रिकवरी करनी पड़ती है, तो वो DRT के पास जाते हैं। और DRT ने 27 दिसंबर 2018 को एक निर्णय दिया, वो निर्णय मैं आपको बताता हूँ, और उस निर्णय के साथ ये एक अटैच शीट भी करी। इस निर्णय और इस अटैच शीट में क्या लिखा गया है कि 13,975 करोड़, मतलब कब? 27 दिसंबर 2018 को DRT ने निर्णय दिया कि बैंकों को निर्णय देके ये कहा 13,975 करोड़ रुपया ABG शिपयार्ड से इमीडिएटली वसूलें, और अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी पर्सनल मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ले लिया जाए। 4 साल हो गए इस निर्णय को आए, ये डिसीजन को आए 4 साल हो गए। 27 दिसंबर 2018 से लेके 2022 में हम बैठे हैं। 4 साल पहले DRT ने निर्णय दिया कि 13,975 करोड़ रुपया ABG शिपयार्ड से वसूल है, पर हमारे देश की सरकार 4 साल तक 1 रुपये को वसूल नहीं पाई। और उस निर्णय में यह भी लिखा गया कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज उसकी बेच के पैसा वसूल लिया जाए, उस निर्णय में लिखा गया, और सारी टेबल है इसके अंदर कि कहाँ कहाँ से किस लोन का कितनी वसूली होगी। 4 साल बीत गए, 1 रुपये की वसूली भारत सरकार ने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ऋषि अग्रवाल तो वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि हुआ करते थे जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, क्योंकि ऋषि अग्रवाल तो मोदी जी के साथ कोरिया जाया करते थे डेलीगेशन का हिस्सा बनके जब वो मुख्यमंत्री थे, क्योंकि ऋषि अग्रवाल हर वाइब्रेंट गुजरात में एक मेन चेहरा हुआ करते थे जब मोदी जी वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किया करते थे। हम पिछले 4-5 दिनों से लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं, आज पुनः उसको दोहराते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड जो कि 22,842 करोड़ रुपए का हुआ, प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी अभी तक चुप्पी साधे हुए हो, कब आपकी चुप्पी टूटेगी? 5.35 लाख करोड़ का बैंक के धोखा हुआ है पिछले 7.5 साल में, अर्थात 5.3 ट्रिलियन रुपये का धोखा बैंकों को हुआ है, प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए। हमारा दूसरा सवाल है कि इस DRT के ऑर्डर की, इस ऑर्डर की अनदेखी क्यों की गई, जब इस ऑर्डर में साफ लिखा गया इस ऑर्डर में कि ऋषि अग्रवाल से 13,975 करोड़ इमीडिएटली वसूल लिए जाए। अगर 4 साल पहले वसूल लिए जाते तो ये अमाउंट आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड नहीं बनता। 22,000 करोड़ का फ्रॉड, 22,842 करोड़ रुपए का फ्रॉड आज एक व्यक्ति करके देश से कहाँ है किसी को नहीं पता। हम पुनः पूछना चाहते हैं कि ऋषि अग्रवाल किस देश का नागरिक है, वो दुनिया के किस कोने में है? या तो सरकार सामने आके बोले हमें नहीं पता, क्योंकि रोज खबर आ रही, कोई कहता है वो सिंगापुर में है, कोई कहता है वो इंग्लैंड में है, कोई कहता है वो जर्मनी में है, कोई कहता है उसके पास 3 पासपोर्ट है, ड्यूअल सिटीजनशिप है,
कब दी गई उसको ड्यूअल सिटीजनशिप। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कब दी गई और किस प्रावधान के तहत उसको ये ड्यूअल सिटीजनशिप दी गई। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि उनको नहीं पता पर आपको और देश के लोगों को पता है। रीस्ट्रक्चरिंग और फ्रॉड में अंतर होता है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ए लोन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉड। ये 2019 में, और हमने जो क्रोनोलॉजी दी उसमें 19 जून 2019 में ये अकाउंट फ्रॉड घोषित हुआ था। 3 साल हो गए फ्रॉड घोषित हुए। सीबीआई ने पहली एफआईआर 1 सप्ताह पहले दायर की। क्यों? कौन रुके हुए था उनको? क्या सीबीआई भी को भी कोई बाबा संचालित कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के हाथ भी कोई बाबा ने बांध रखे? क्योंकि जब स्टॉक एक्सचेंज, देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, बाबा चला रहे हैं तो क्या उनके हाथ भी किसी बाबा ने बांध रखे हैं? क्या वो बाबा है कि योगी है, बताएं? अभी तक वो चुप क्यों हैं? ये हमारा तीसरा सवाल है। चौथा, वाई ऋषि अग्रवाल क्यों वाइब्रेंट गुजरात का मेन आकर्षण हुआ करता था जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे? प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अपने कोरिया के बिजनेस डेलीगेशन में एज ए सीएम ऋषि अग्रवाल को साथ कोरिया क्यों लेके गए? इस बात का उत्तर अभी तक नहीं मिला हमें। हमारा पांचवा सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी तक मूक दर्शक बनी हुई बैठी, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री की पुलिस है। आरबीआई इज ए सुपरवाइजर, इज ए कस्टोडियन ऑफ द इंडियाज बैंकिंग इंडस्ट्री। Why Reserve Bank of India is still silent? अभी मुख दर्शक बनके क्यों बैठी हुई है? आज देश में धोखेबाजों की इतनी हिम्मत बढ़ रही है कि वो देश का पैसा लेके चंपत हो जाते हैं। भारत की सरकार मुख दर्शक बनी हुई बैठी रहती है समस्त जानकारी होने के बावजूद। भारत की सरकार जो कोर्ट के निर्देश हैं कि इससे 13,975 करोड़ रुपया वसूला जाए, वसूलना तो छोड़ दीजिए, मैं एक और जानकारी आपको दे रहा हूँ। और ये जानकारी ये है कि 2016 मार्च 31 को ऋषि अग्रवाल ने बैंकों को बताया कि उसकी कुल चल और अचल संपत्ति है 2,66,000 करोड़, 2.66 लाख करोड़। और भारत की सरकार ने और सरकारी बैंकों ने उसको 2016 31 मार्च को 1925 लगभग 2000 करोड़ का लोन और दे दिया। 1925 करोड़ का लोन और दिया गया जब वो कह रहा है मेरे पास 2,66,000 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है, जब डीआरटी अपने आदेश में कह रही है कि 13,975 करोड़ रुपया वसूला जाए, पर सरकार क्यों चुप? और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.